नमस्कार, चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, जो कि मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है करों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। और इसमें आज हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति उस कर का भार उठाता है और उस कर का भुगतान करता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर दे या कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं, कर देता एवं कर का भार, यानी करापात और कराभार दोनों जो हैं वो एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण क्या हैं? आयकर, उपहार कर, निगम कर, आस्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। प्रोफेसर सैमुएलसन ने इस संदर्भ में कहा है, प्रत्यक्ष कर लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। अब प्रत्यक्ष करों के गुण क्या हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है प्रगतिशील कर। प्रत्यक्ष कर समानता के सिद्धांत के अनुसार लगाए जाते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर कर का भार समान रूप से पड़े, ये समानता का सिद्धांत है। इसलिए जो प्रत्यक्ष कर हैं वो इस समानता के सिद्धांत के अनुरूप हैं। ये कर प्रगतिशील होते हैं, इसका भार निर्धन लोगों पर कम तथा धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। जो प्रत्यक्ष कर है वो समानता तथा न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ये कर आय की असमानता को भी दूर करते हैं। दूसरा है बचत। इन करों को एकत्रित करने में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता, करदाता को स्वयं ही ये कर सरकार के पास जमा कराने पड़ते हैं। कर के रूप में जितना धन जमा होता है उसका बहुत कम भाग ही उसको एकत्रित करने में खर्च होता है। तीसरा जो गुण है वो है निश्चितता। ये कर निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, कर की धनराशि निश्चित होती है, इसलिए जो कर का भुगतान करता है उसे किसी प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं होती है। करदाता को ये पता होता है कि उसको कितना कर देना है, कब कर देना है, कहाँ कर देना है और कैसे कर देना है, इसलिए उसे कोई भी कर देने में कष्ट या तकलीफ नहीं होती है। सरकार को भी इन करों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में काफ़ी हद तक निश्चितता रहती है। चौथा गुण है लोचदार। ये कर लोचदार होते हैं और कभी भी सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इन करों की दरों में परिवर्तन कर सकती है। अगर उसे अधिक आय की आवश्यकता है तो कर की दर को बढ़ा करके वो आय को अधिक प्राप्त कर सकती है। जैसे कि 1938-39 में आयकर तथा कॉरपोरेशन टैक्स से
केवल 16 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती थी, जो कि अब बढ़ करके 2000-2001 में आयकर से 31,590 करोड़ रुपए और कॉरपोरेशन टैक्स से 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। पांचवा गुण है उत्पादक। ये कर उत्पादकता के सिद्धांत पर भी आधारित है। थोड़े से कर लगाने से ही सरकार को काफी आय प्राप्त हो जाती है। छठा गुण है सरल। ये कर सरल होते हैं। इन करों को समझना, इनका ब्यौरा बनाना कठिन काम नहीं होता है। इससे संबंधित कानून भी स्पष्ट और सरल होते हैं, इसलिए इनका अनुमान लगाना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। अगला जो गुण है वो है सुविधा। ये कर सुविधा के सिद्धांत पर आधारित हैं। इन करों का भुगतान अधिकतर उस समय करना पड़ता है जब लोगों के पास भुगतान करने की सुविधा होती है। जब लोगों के पास आय होती है उसी समय इन करों को लगाया जाता है। जैसे मासिक वेतन प्राप्त करने वालों से आयकर उस समय लिया जाता है जब उन्हें आय का भुगतान किया जाता है। सरकार इन करों को किस्तों में चुकाने की भी सुविधा प्रदान करती है। ये तो हमने प्रत्यक्ष करों के गुणों के बारे में जाना। आप प्रत्यक्ष करों के क्या दोष हैं ये भी अध्ययन करते हैं। तो पहला दोष है लोकप्रियता का अभाव। ये कर लोकप्रिय नहीं होते क्योंकि कर इनका भार करदाता को प्रत्यक्ष रूप से उठाना पड़ता है और उन्हें काफ़ी मात्रा में कर के रूप में धनराशि का भुगतान करना होता है, इसलिए ये कर लोकप्रिय नहीं होते हैं। दूसरा है करों से बचाव। इन करों से अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा आसानी से बचा जा सकता है। करदाता इन करों से आसानी से बच जाता है। जैसे कि करदाता अपनी आय को कम बताकर आयकर से बच जाता है। तीसरा दोष है भुगतान संबंधी कठिनाइयां। इन करों का भुगतान करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन करों के रूप में दी जाने वाली राशि को निर्धारित करने के लिए करदाता को आयकर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पास कई बार जाना पड़ता है और अपना हिसाब किताब दिखाना पड़ता है, जिससे कि करदाताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगला दोष है खर्चीले। इन करों को एकत्रित करने में कभी कभी अधिक खर्च करना पड़ता है। जैसे कि भूमि कर एक प्रत्यक्ष कर है और इस कर को लाखों किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक बार एकत्रित किया जाता है, इसलिए इनको एकत्रित करने में काफी खर्चा आता है। पांचवा दोष है मनमानी। जो प्रत्यक्ष कर हैं इनको लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। कर अधिकारी इन्हें अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से लगाते हैं, जिस कारण से भ्रष्टाचार की संभावना अधिक हो जाती है। छठा दोष है पूंजी निर्माण में बाधा। ये कर पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि इन करों की दर को बहुत ऊंचा रखा जाए तो इसका बचत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की जो आय है उसका एक अधिक हिस्सा उन्हें कर के रूप में भुगतान करना पड़ता है, जिससे कि उनकी बचत कम हो जाती है। इससे देश में पूंजी निर्माण कम होती है। सातवां दोष है विदेशी पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव। अल्प विकसित देशों में अगर प्रत्यक्ष की दर अधिक होती है तो उस देश में होने वाली विदेशियों की आय पर भी कर लगाया जाता है और इस कारण से जो विदेशी हैं वो उस देश में पूंजी निवेश करना
अधिक पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार देश के विकास के लिए आवश्यक जो विदेशी पूंजी है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। ये अल्प विकसित या विकासशील देशों के संदर्भ में अधिक देखने में आता है। इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला दोष है संकुचित आधार। प्रत्यक्ष कर देश की कम जनसंख्या पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि देश के अधिकतर जो लोग हैं उनकी आय एक सीमा से कम होती है और बहुत से लोग इन करों से बचे रहते हैं, अतएव इन करों का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। देश के बहुत कम लोगों पर इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोगों पर इनको लगाया नहीं जा सकता है। अब अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो कि किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनका कर विवर्तन कर देता है और उनके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर उसको टाल देता है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर वो है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति उनका भुगतान करता है। ये कर कौन से हैं? जैसे विक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। यानी अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका प्रारंभिक भार एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह व्यक्ति दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है। प्रोफेसर सैमुएलसन ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा उन करों के रूप में की जाती है जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं, अतः ये लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के गुण, पहला है सुविधाजनक। ये कर सुविधाजनक होते हैं, जैसे बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं, इस कारण से करदाता को कर का अनुभव नहीं होता है। सरकार के लिए भी ये कर सुविधाजनक होता है, क्योंकि सरकार इन करों की रकम को उत्पादकों या आयातकर्ताओं से एकदम वसूल कर लेती है। दूसरा है टालना कठिन। इस प्रकार के करों से बचना प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन है। ये कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में शामिल कर लिए जाते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसे ये कर देने पड़ते हैं। तीसरा जो गुण है वो है विविधता। इन करों में विविधता पाई जाती है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर हैं ये कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में देने पड़ते हैं। जैसे उत्पादन कर वस्तु के उत्पादन करने वालों से ही वसूल किए जाते हैं और वे उन्हें वस्तु के खरीदारों से वसूल कर लेते हैं। इस प्रकार विक्री कर भी उन सभी व्यक्तियों को देना पड़ता है जो विक्री कर वाली वस्तुओं का उपभोग करते हैं। चौथा गुण है लोचदार। ये कर लोचदार होते हैं। कर की दर बदलने से आमदनी की मात्रा भी बदल जाती है। जैसे विक्री कर या उत्पादन कर में थोड़ी सी वृद्धि करने पर सरकार की आय में काफी वृद्धि हो जाती है। पांचवा गुण है लोकप्रिय। ये कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। लोगों को ये कर देते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इन करों का भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना पड़ता है, जबकि प्रत्यक्ष करों का भुगतान एक बड़ी धनराशि के रूप में करना होता है। जब लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें ही अप्रत्यक्ष कर की छोटी सी धनराशि शामिल होती है, इसलिए उन्हें अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये कीमत का ही एक भाग बन जाते हैं। छठा है गुण
हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध, इन करों को हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब सिगरेट आदि पर लगाने से उनकी कीमत बढ़ाई जा सकती है जिससे उनका उपभोग कम हो सकता है तथा समाज को लाभ पहुंच सकता है। जो नशीली वस्तुएं हैं, हानिकारक वस्तुएं हैं, इनके उपभोग को कम करने के लिए सरकार इन पर कर की मात्रा अधिक लगाती है जिससे कि इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और इनका उपभोग कम होने से समाज को लाभ मिलता है। सातवां जो गुण है अप्रत्यक्ष कर का, वह विस्तृत राज्य की सहायता करना जो देश का नागरिक है उसका कर्तव्य है और ये कर विस्तृत होते हैं, इनका क्षेत्र भी काफी फैला हुआ होता है। ये देश के संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र पर लागू होते हैं, ये धनी तथा निर्धन दोनों लोगों पर लागू होते हैं और अप्रत्यक्ष कर का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करना होता है। आठवां गुण है समानता, इन करों को विलासिता की वस्तुओं पर अधिक दर पर लगाने से धनी लोगों पर इनका भार बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार ये कर त्याग की समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। विदेशी प्रतियोगिता से बचाना, जो अप्रत्यक्ष कर हैं इनकी सहायता से देश के आंतरिक उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकता है। आयात निर्यात करों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब सरकार देश के किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना चाहती है तो उस वस्तु के आयात पर आयात कर अधिक मात्रा में लागू कर दिया जाता है जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा देश में उत्पादित वस्तु विदेशी वस्तु की तुलना में कम कीमत पर बिकने लगती है जिससे घरेलू उत्पादन की मांग बनी रहती है। दसवां गुण है प्रगतिशील, जो अप्रत्यक्ष कर है अगर वो विलासिता की वस्तुओं पर अधिक मात्रा में लगाए जाए और जीवन निर्वाह वस्तुओं को करों से छूट दे दी जाए तो ये कर प्रगतिशील सिद्ध होते हैं। अब अप्रत्यक्ष करों के दोष, पहला है अवरोही। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये कर रेग्रेसिव या अवरोही होते हैं, इनका भार अमीरों पर कम तथा गरीबों पर अधिक पड़ता है क्योंकि सभी लोगों पर कर की दर एक ही रहती है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर न्याय संगत नहीं होते। फिर भी ये तर्क उतना सही सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर विलासिता की वस्तुओं पर भी लगाए जाते हैं तथा कार स्कूटर टेलीविजन आदि पर भी लगाए जाते हैं जिनका भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है क्योंकि धनी व्यक्ति ही इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदारी करते हैं। अनिश्चित, दूसरा जो दोष है वो ये है कि ये कर अनिश्चित होते हैं, इनके विषय में निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वास्तव में सरकार को कितनी आय प्राप्त होगी। इन करों से प्राप्त आय कई बातों पर निर्भर करती है जैसे वस्तु की मांग, उत्पादन की मात्रा, वस्तु की कीमत आदि। तीसरा है बचत का अभाव, ये कर बचत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्योंकि इनको एकत्रित करने में काफी अधिक मात्रा में धनराशि खर्च करनी पड़ती है। अगला दोष है नागरिक जागृति का अभाव, अप्रत्यक्ष करों से नागरिक जागृति नहीं होती है क्योंकि ये कर वस्तु की कीमत में ही छिपे रूप से लगे होते हैं और करदाता को ज्ञान नहीं होता कि उसने कर का भुगतान किया है, इसलिए नागरिकों में जागृति का अभाव रहता है। पांचवा दोष है उत्पादन में कमी, इन करों का उत्पादन तथा व्यापार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है
बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन करों से मूल्य बढ़ जाते हैं और मूल्य बढ़ने से, कीमत बढ़ने से इन वस्तुओं की मांग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छठा है करों से बचना। इन करों की भी चोरी की जाती है। कई बार दुकानदार वस्तु की बिक्री का कैश मेमो ग्राहक को नहीं देते। इस प्रकार वे बिक्री कर भी सरकार को नहीं देते, जबकि स्वयं वे इस कर को ग्राहक से वस्तु की कीमत के साथ प्राप्त कर लेते हैं। सातवां है बचत को निरुत्साहित करना। इन करों के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए लोगों के अपनी आय का अधिक भाग वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करना पड़ता है, और जिस कारण से बचत जो है वो निरुत्साहित होती है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही करों के अपने गुण हैं और दोनों ही करों के दोष हैं, परंतु प्रत्यक्ष करों के दोष प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हें प्रयत्न करके दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।